जवानों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आज एक और लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं, जिसका टॉपिक है सॉलिड एंगल। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फंडा जो यूज होने वाला है आगे चल के हमारे फ्लक्स कैलकुलेशन में, नॉट ओनली इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड जहां जहां पर भी हम लोग 3D ज्योमेट्री का इस्तेमाल करने वाले होंगे वहां पर सॉलिड एंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला होगा। तो आज का टॉपिक हम थोड़ा सा डिस्कस करते, एक आइडिया लेते कि सॉलिड एंगल है क्या। मैं सॉलिड एंगल को बच्चे रिलेट करके चलूंगा अभी तक बचपन से जो हम एंगल पढ़ते आए हैं। अभी तक हम सिर्फ वर्ड एंगल पढ़ते थे। अब जब मैंने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के आपको लेक्चर बताए, उन लेक्चर्स में जब मैंने ट्रिगो बताया, क्वाड्रेंट्स बताया, उस समय इसके बारे में जिक्र किया था, नाम लिया था। अभी तक बचपन से हम लोग एंगल पढ़ते आए। अब हम एंगल को क्यों ना दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, एक प्लेन या 2D एंगल एंड एक सॉलिड या 3D एंगल। तो याद करते प्लेन प्लेन एंगल क्या होता था यार। अगर सपोज करो कोई भी ये एक सर्कल है, इस सर्कल का मैंने एक पर्टिकुलर हिस्सा उठा लिया, कोई एक आर्क उठा लिया, तो ये आर्क के दोनों एंड्स को अगर मैं सेंटर पे मिलाऊं तो जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैंने नाम दिया प्लेन एंगल। और इसके लिए फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था थीटा इज एल बाय आर। ओके, नाउ इमेजिन इसी तरह से अगर मैं एक स्फेयर बनाऊं, एक स्फेयर में अगर सपोज मैं एक छोटा सा या कोई भी एक छोटा क्या एक एक पर्टिकुलर एरिया मैंने इसमें से उठा लिया, जो सपोज कुछ एस एरिया है। अब इस एरिया का अगर मैं हर पॉइंट से सेंटर पर एक लाइन ड्रॉ करता चला जाऊं, तो इमेजिन क्या ये क्यूब काइंड ऑफ नहीं बन जाएगा। इमेजिन करो कि अगर मैं एक एक सर्कल है, इस सर्कल के हर कोने से अगर मैं सेंटर पर एक लाइन ड्रॉ करता चला जाऊं, लाइक इट्स लाइक कि अगर सपोज करो मैं अपने हाथ को यू देख रहा हूं और मैं अपने हाथ से हर कोने से अपनी आंख पर एक लाइन ड्रॉ करता चला जाऊं, तो देखो ध्यान से क्या ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा होगा, एक कोन काइंड ऑफ बन जाएगा। तो इस कोन में जो ये एंगल बना इस एरिया की वजह से, इसको मैं बोल दूंगा सॉलिड एंगल या 3D एंगल। इसको मैं सिंबल दूंगा ओमेगा। तो मैं जस्ट जस्ट लाइक यहां पर हमने थीटा को लेंथ ऑफ दिस आर्क अपॉन आर किया, मैं यहां पर इसको कैसे मेजर करूंगा, एरिया ऑफ दिस सर्फेस डिवाइडेड बाय दिस रेडियस का स्क्वायर। डायमेंशनलेस चेक करो ध्यान से, बस फर्क क्या है, ये 2D में था, ये 3D में। ध्यान से सोचो पूरे सर्कल के लिए ये थीटा क्या आने वाला है, देखो 2πr/r क्या करूंगा 2π। सिमिलरली यहां पर चेक करो पूरी स्फीयर के लिए क्या आने वाला है, एस इज 4πr²/r², क्या बन जाएगा ये 4π। तो मतलब कि एक कंप्लीट सर्कल के लिए थीटा इज 2π रेडियन एंड फॉर अ कंप्लीट स्फीयर ओमेगा इज या सॉलिड एंगल इज 4π स्टीरेडियन। क्या यहां तक बात समझ में आई है? ओके, नाउ इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब ये तो हो गया, मैंने सर्कल की बात करी, नाउ सपोज मैं एक छोटा सा लेंथ कोई सोचो, इमेजिन करो एक छोटी सी कोई लेंथ है भाई, वो लेंथ भी तो किसी पॉइंट पर कोई एंगल बना रही होगी। इस लेंथ से अगर मैं यहां से और इस एंड से कुछ इस तरह से दो लाइनें ड्रॉ कर दू, तो ये कुछ एंगल यहां पर सबटेंड हुआ नहीं हुआ, डी थीटा। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं, लेकिन ध्यान रहे मैं छोटे की बात कर रहा हूं। लेट्स से ये एक डीएल लेंथ है, तो ये डीएल लेंथ इस पॉइंट पर कुछ डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा होगा। लेट्स से अगर मैं इसी पॉइंट से इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करूं जो सपोज आर है, तो इन दिस रिस्पेक्ट मैं लिख सकता हूं कि डी थीटा इज अप्रोक्सीमेटली डीएल बाय आर।
ध्यान रहे मैं बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली, जब डीएल बहुत स्मॉल है तब उस केस में ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट फॉर्मूले की तरह ही काम करने वाला है। नाउ सिमिलरली मैं सरफेस एरिया के लिए या 3D में भी यही चीज सोच सकता हूं। मान लो एक छोटू सा एरिया है, जो एरिया है लेट से डीएस। सपोज इस पॉइंट पर ये एक सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है डी ओमेगा। अगर मैं इसके सेंटर से इसके मिड पॉइंट पर ये ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये आर, यहां पर ध्यान रहे दोनों केसेस में जो मैंने आर ड्रॉ करा है वो डीएल और डीएस के परपेंडिकुलर ही दिखाई दे रहा है, मतलब कि जरूर इट्स लाइक कि ये जो सरफेस है इस लाइन के जो मैंने आर ड्रॉ करा है वो उसके नॉर्मल ही दिखाई दे रहा है। ओके अभी इसको केस को आगे बढ़ाऊंगा मैं। सो इन दैट केस डी ओमेगा मेरे पास क्या हो जाएगा, डीएस बाय आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक, सभी को क्लियर है? नाउ सपोज अगर ये डीएल कुछ इस पॉइंट के साथ ऐसा पड़ा होता कि ये जो आर मैंने ड्रॉ करा ये परपेंडिकुलर ना होता, मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? चलो ये पॉइंट है और सपोज ये डीएल कुछ ऐसा होता, ठीक है, तो इन दैट केस जो एंगल सबटेंड हुआ वो तो ये हुआ। अगर मैं इसके मिड पॉइंट पर यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं वो तो ये जा रही है, और इसका जो परपेंडिकुलर या नॉर्मल होने वाला है वो ये होने वाला है। लेट्स से कि जो मैंने ये आर ड्रॉ करा और जो ये नॉर्मल ड्रॉ करा, इन दोनों के बीच कुछ एंगल है थीटा, तो इन दैट केस हाउ विल आई मेजर थीटा या डी थीटा? मैं क्या करूंगा, अगर ये थीटा है और ये डीएल है तो ध्यान से देखो ये जो लेंथ मेरे पास आई यहां से लेकर यहां तक, क्या ये लेंथ डीएल कॉस थीटा नहीं हो गई? क्योंकि देखो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा है, ये एंगल क्या हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ क्या हो गया वापस थीटा, देख पा रहे हो? सो इन दैट मींस अगर ये इस समय मैं डी थीटा निकालना चाहूं तो वो डी थीटा क्या होना चाहिए, डीएल कॉस थीटा दिस ए लेंथ अपॉन में आर। सेम यही कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करता हूं सरफेस के लिए। लेट्स से सरफेस कुछ ऐसा पड़ा हुआ है आर, और जो पॉइंट है जिसके अबाउट में निकालना चाह रहा हूं सपोज ये है, तो अगर मैं यहां से इसके सेंटर पे ड्रॉ करता हूं लेट्स से ये आर, ये आर है, ये आर कैप लिखा, इसका नॉर्मल कुछ ये होने वाला है एन कैप। अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूं तो मेरे पास इसी एरिया का एक कंपोनेंट ये बनना चाहिए जो क्या होना चाहिए, डीएस कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो क्या मैं डी ओमेगा को डीएस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैंने अभी फाइंड कर दिया। मैंने बार बार प्लेन एंगल को रिलेट करके ही मैंने तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। क्या ये बात समझ में आए हैं? अगर मैं इस डी ओमेगा को इंटीग्रेट कर दूं एक क्लोज्ड सरफेस के लिए तो इसका जो टोटल रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 4π। ये याद रखना है, ये यूज होगा जब मैं गॉस थ्योरम की बात करूंगा। क्या होता है अभी नहीं पता, भी आएगा। ओके सो मेरे बच्चे क्या आपको छोटी सी ये बात समझ में आई है, ये फॉर्मूला मैं कैसे ऑब्टेन कर पा रहा हूं, क्योंकि आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला इन नेक्स्ट टॉपिक। कोई प्रॉब्लम? पक्का सॉलिड एंगल समझ पा रहे हो क्या है? कोई भी एक एरिया किसी एक पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, 3D एंगल सबटेंड कर रहा है, कोनिकल पोर्शन जो एक तरह का बन रहा है, उस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं सॉलिड एंगल। जो हम कॉपियों में एंगल बनाते आ रहे थे, अभी तक बुक्स में बने हुए देख रहे थे, वो क्या थे, प्लेन एंगल। जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक यूज करा वो सभी 2D में थे, प्लेन एंगल थे। और जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग 3D बातें भी करने वाले हैं, तो 3D में एंगल को मेजर कैसे करेंगे हम, सॉलिड एंगल। ओके एंड सॉलिड एंगल को मेजर किस में किया जाएगा, स्टेरेडियन में। ओके और अगर जो
कोई भी पॉइंट पर मैं जब एंगल मेजर कर रहा हूं, अगर उससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं सरफेस पर, अगर वो परपेंडिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर के साथ थीटा एंगल पर हो, इन दैट केस जो एंगल सबटेंड होगा उस सरफेस के कारण, दैट विल बी ds cos थीटा बाय r स्क्वायर। जो लास्ट लाइन मैंने बोली, इसको वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा दोबारा 3-4 बार सुनिए, जब तक आपको अच्छे से ये बात क्लियर ना हो जाए। अगर एरिया ये है और पॉइंट ये है, तो आप सिंपली ds बाय r स्क्वायर कर दोगे। इन दैट केस एरिया का नॉर्मल और जो इससे मैं सरफेस पे r बनाने वाला हूं वो सेम डायरेक्शन में है। अगर एरिया कुछ टिल्टेड है, मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट से इस सरफेस पे आर बना रहा हूं और इसका जो नॉर्मल है वो सेम लाइन में ना हो, इन दैट केस आई वांट कि सरफेस का नॉर्मल और वो जो आर होने वाला है उसके बीच एंगल क्या है। ओके और उस एंगल को अगर मेरे को पता हो इंफॉर्मेशन, देन इन दैट केस सॉलिड एंगल विल बी ds cos theta by r square। लास्ट लेक्चर में मैंने एरिया वेक्टर की बात करी, क्या देख पा रहे हो एरिया वेक्टर एक रोल प्ले करने वाला है और यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फ्लक्स कैलकुलेशंस के वक्त। सो एरिया वेक्टर एंड नाउ सॉलिड एंगल, ये दो बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी एंड अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेडी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए। So, आपके फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल की तरफ से बाय बाय, लव यू।